वेलकम टू लिव विद हाइजनबर्ग। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? इस टाइम हम TDF घर में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे एक अदद फ्रेंड भी आए हुए हैं, गुड्डू आदम, जो कि अभी मसरूफ़ है अपनी वीडियोस वगैरह कैप्चर करे हुए। तो गुड्डू का एक आइडिया था, उन्होंने कहा यार TDF घर एक्सप्लोर करते हैं। हमने आज तक कराची में रहते हुए एक्सप्लोर नहीं करा। ये कराची की पुरानी एक बिल्डिंग है जिसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है पब्लिक प्लेस में। यहाँ पे 100 रुपीज़ एंट्री टिकट है ताकि यहाँ की हेरिटेज भी कंटिन्यू रहे। तो अभी आप देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आए चले। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही पुरसकून माहौल है। आप बैठ सकते हैं, अपना कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मतलब इस जगह की कुछ अलग ही वाइब है बॉस। हम कराची में रहते हुए भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया हमने। मतलब यहाँ पूरी फोटोग्राफ्स है लेकिन उन्होंने जगह जगह मेंशन किया हुआ है कि भाई इसको टच ना करें, यहाँ पे बैठे नहीं। और काफ़ी लोगों की पेंटिंग्स हैं, मुझे हिस्ट्री तो मालूम नहीं जिन लोगों की पेंटिंग्स हैं और क्या है या फोटोग्राफ्स किसने कैप्चर की है। बट इट्स रियली नाइस कि कराची में ऐसी प्लेसेस है। यहाँ से हम निकले तो हमने सामने देखा एक रूम बना हुआ है और इधर से क्रॉकरीज वगैरह भी रखी हुई है। ये वॉशरूम है यूज़ करने के लिए। ओके, दैट्स लाइब्रेरी। लोग इसको एज अ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, इस प्लेस को लैपटॉप्स वगैरह यूज़ कर रहे बैठे हुए। तो इट्स रियली अ नाइस प्लेस। अच्छा जी, हमारे बैक साइड पे कायदे आज़म का मज़ार मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हैं, ये देखिए, ये भी आएंगे, अब आ नहीं रही कैमरे में। अच्छा, जगह बहुत अच्छी है, थर्ड फ्लोर है इस टाइम जहाँ हम मौजूद हैं। ओवरऑल नाइस प्लेस है, लोग यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, जैमिंग कर रहे हैं सॉन्ग्स की और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो मुझे ये कोच प्लेस, वर्किंग प्लेस भी आप कह लें। और इन्होंने जो टिकटिंग सिस्टम रखा है, एंट्रेंस टिकटिंग सिस्टम, दैट्स रियली नाइस। नीचे कैफेटेरिया भी है बट हम उसको अभी अवेल नहीं कर रहे हैं। हम खाना पीना कर आ चुके हैं तो ऑलरेडी हम बस जगह को एक्सप्लोर किया है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएं, कमेंट करें। मेरा ये फर्स्ट टाइम था इस प्लेस में, मैं बहुत बहुत इंप्रेस्ड हुई हूँ कि कराची में ऐसी भी प्लेसेस हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।